नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि जबलपुर से मिल रही है। यहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा निकलकर सामने आया है। नेशनल स्कूल चैंपियन पर डंडे बरसाए गए हैं। वाहन का चालान भरने के बाद भी इसकी पिटाई की गई है। जबलपुर से बड़ी खबर, पुलिस का अमानवीय चेहरा निकलकर सामने आया है। नेशनल स्कूल चैंपियन पर डंडे बरसाए गए, वाहन का चालान भरने के बाद भी इसकी पिटाई की गई है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस का अमानवीय चेहरा निकलकर सामने आया है। नेशनल स्कूल चैंपियन पर डंडे बरसाए गए हैं, गाड़ी का चालान भरने के बाद भी इसकी पिटाई की गई है। जबलपुर से बड़ी खबर, पुलिस का अमानवीय चेहरा, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जबलपुर से ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस का अमानवीय चेहरा निकलकर सामने आया है। वाहन का चालान भरने के बाद भी पुलिस ने इस पर डंडे बरसाए हैं और ये चैंपियन है, नेशनल स्कूल चैंपियन, जो कि पिटाई के बाद जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। खबरें यह भी हैं कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है। ये किस तरह का चेहरा पुलिस का निकलकर सामने आया है, बड़ा सवाल आखिर यही उठता है, खाकी वर्दी पहनने के बाद मानवता कहां जाती है, एक बड़ा सवाल। जबलपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं, खाकी वर्दी पहनने के बाद कौन अधिकार देता है कि आप बेकसूर की पिटाई करें। जबलपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस का अमानवीय चेहरा, किस तरह से बर्बरता की गई, लगातार बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं। और हाथ में फ्रैक्चर है, उसके बाद भी पीड़ित ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हम लोग जा रहे थे माल लेने, हम पापा थे हमारे, गाड़ी आई हुई थी तो हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे पुलिस वाले अंकल लोग खड़े थे, तो वो लोग रोके, बोलते कि हेलमेट नहीं लगाए हो, पापा गाड़ी साइड में खड़े कर दिए, ऐसा पापा चलान कटवा रहे थे उसके बावजूद। तो उससे यहाँ पे दो रात पे उसने पुलिस वाले अंकल ने मार दिया मेरे को यहाँ का। मेरी कोई गलती नहीं, मैं बस इतना बोला कि गाड़ी थाने नहीं जाएगी, आप चलान यहीं ले लीजिए। दो हफ्ते मार दी, उसके बाद था पाइप था तो उससे मेरे को मारे तो मेरे हाथ में लग गया, मेरे पापा बीच में हाथ पकड़ के मोड़ दिया, जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, माइनर फ्रैक्चर है उसमें। तो जो पीड़ित है उसकी बाइट भी आपको हमने सुनवाई है। खाकी वर्दी पहनने के बाद अगर इस तरह का अमानवीय चेहरा पुलिस वाले करेंगे तो वो ईमानदार पुलिस वालों की छवि पर भी बट्टा लगाते नजर आएंगे। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दिनेश चौधरी जुड़ चुके हैं। दिनेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, खाकी वर्दी अगर आपने पहनी तो आप दादागिरी करेंगे, और अगर दादागिरी करेंगे तो जो ईमानदार छवि वाले जो बाकायदा काम कर रहे हैं उनकी छवि पर बट्टा लगता है। दिनेश जी, कहां का ये मामला है और आखिर क्या वजह थी जो आपने पुलिस वालों की बात करें बेरहमी से उसे पीटा है, उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया, वर्दी धारण क्यों की थी, समाज की सेवा के लिए या दादागिरी दिखाने के लिए? जी अंकुश जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस प्रकार से पुलिस का अमानवीय चेहरा समय समय पर देखने को आम लोगों तक पहुंचता है, वही आज एक युवा के फहीम अंसारी जो जूडो नेशनल चैंपियन है उसके साथ पुलिस ने अमानवीय तरीके से इस तरह मारपीट की, उसका हाथ ही टूट गया। सबसे बड़ी बात है कि वाहन चेकिंग के दौरान उसको रोका जाता है, उसके पिताजी भी साथ होते हैं, हेलमेट के नाम पर चलान भरने के बाद भी जब उनकी गाड़ी जब्ती बनाई जाती है तो बहसबाजी करते, पुलिस के जो दो पुलिस वाले होते हैं वो लगातार उसके ऊपर डंडों से मारपीट करते हैं। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो जो थाने में बड़ा स्टाफ जो सीनियर स्टाफ होते हैं वो भी उनको नहीं रोकते हैं। कुल मिला के पूरे थाने के सामने ये अमानवीय चेहरा पुलिस के लट्ठों से जो डंडों से बरसाया जाता है युवक ऊपर, और युवक नीचे आप देख सकते हैं तस्वीर में जिस प्रकार से युवक नीचे पड़ा हुआ है, पर पुलिस ये नहीं सोच रही कि आज युवक है तो ये उसको उठा लिया जाए, उसको उठाकर ये दवाई के लिए ये विक्टोरिया जिला अस्पताल भर्ती किया जाए, पर कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा चेहरा ये सामने आ रहा है कि पुलिस ने उनको उठाने तक की हिम्मत नहीं उठाई और कुल मिलाकर मारने के बाद उनको छोड़ दिया गया। उनके परिजन जो है वो उठाए हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कि
ये तीन बैठे थे, हेलमेट नहीं था, चालान नहीं दे रहे थे, इसको लेकर बहसबाजी की गई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि युवक का ये भी कहना कि मेरे पिताजी और हमारे जो भाई थे, हम तीन बैठ के जा रहे थे, किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले थे और चालानी कार्रवाई करने के बाद ही पुलिस के जो सिपाही है उनके साथ लगातार मारपीट किए हैं। और उनका ये भी आरोप है कि ये उच्च अधिकारियों से बात की गई है तो, और ये मामला जो है सीएसपी लेवल से एसपी तक पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा पुलिस के इस ग्रहणी चेहरे के पीछे जो हवानियत थी उच्च अधिकारी है किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। दिनेश देखिए, चालान जो था वो भर दिया गया, उसके बाद देखिए गलती की थी यहाँ पर जो पीड़ित है, लेकिन उसके बाद चालानी कार्रवाई हो गई, मारपीट की गई, बड़े अधिकारियों के संज्ञान में के मामला पहुंच चुका है। आपने भी जिक्र किया कि देखना होगा एसपी तक मामला पहुंचने पर क्या कार्रवाई होगी, लेकिन एसपी से पहले की हम बात करें जो अधिकारी होते हैं वहां तक पहुंचा ये मामला, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि यहां पर जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, उन्हीं के सामने ये घटनाक्रम हुआ, तो वो तमाशबीन क्यों बने रहे। जी अंकुश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि थाने के सामने ही चेकिंग पॉइंट बनाया गया था, जहां पर एक दो सिपाही हैं जो लगातार उनके ऊपर डंडों से बारिश कर रहे थे, और उसके साथ साथ जो थाने के अंदर उनके सिपाही के जो एसआई स्तर के भी अधिकारी होते हैं या इस स्तर के भी अधिकारी होते, पर किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। कुल मिला के जो युवक है इस पर इस प्रकार से लाठी डंडों से मारपीट की गई है कि जो उसका जो हाथ है वही फ्रैक्चर हो गया। सबसे बड़ी बात है जब परिजन थे उन्होंने आरोप लगाया, जो उन्होंने बचाया, जब कहीं जाके जो युवक है उनको छोड़ा गया, पर कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि चारों तरफ से पुलिस खड़ी है, पर भीड़भाड़ इलाके भी इस प्रकार से मारपीट की जाती है, और कहीं ना कहीं आमानी कह रही है कि दूसरा ये भाई मारपीट करने वाले सिपाही नहीं उठा, तो इसके साथ जो अन्य पुलिसकर्मी है वो उनको उठाकर जो युवक है उसको कहीं ना कहीं दवाई के, पर सबसे बड़ी बात है जब युवक के परिजनों ने उसको उठाया और उसको दवाई के लिए, लेकिन उसका हाथ जो है टोटल फ्रैक्चर हो चुका है। कुल मिला के की काफी ये सहने के बाद अब सबसे बड़ी बात एक खिलाड़ी युवक है जो जूडो पर चैंपियन स्कूल चैंपियनशिप में युवक है, और आज का भविष्य जो है आगे बढ़ने की बात करें, एक तरफ जहाँ जो मुख्यमंत्री है या गृह मंत्री है पुलिस की बड़ी तारीफें करते हैं कि पुलिस हमारी बहुत अच्छी काम कर रही है, इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा भी सामने को पुलिस से देखने को मिलता है जो आवाम भी कहने जो पुलिस की जो छवि है उसको बर्बाद जो धूमिल करती है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जब पिटाई हुई थी, नेशनल स्कूल चैंपियन ये बताया जा रहा है फरियादी पीड़ित, इसके साथ सिर्फ मारपीट कर दी जाती है इसलिए क्योंकि ये काम के लिए अपने पिता के साथ में जा रहा था, चालानी कार्रवाई वो भर चुका था, बहस के बाद में पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे उसके साथ पिटाई करते हैं, जब वो चालानी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इसके साथ में मारपीट की जाती है, मारपीट भी ऐसी कि उसका हार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ में प्लास्टर उसके बंधा हुआ है, ऐसी क्या गलती उसने की थी। कोरोना काल जरूर चल रहा है, लगातार प्रशासन गाइडलाइन के तहत पालन करवाने के लिए मुस्तैद है, चेकिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं, समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन अगर आप चालानी कार्रवाई कर रहे हैं एक सबक के लिए ठीक है, लेकिन मारपीट करना कहां तक जायज है, वो भी इस कदर कि हाथ फ्रैक्चर हो जाए। अगली खबर की बात करते हैं। सीएम